का रेडिएटर रोक के करवाते हैं। आज वो गाड़ी भी रिवील करूंगा। अगर नहीं यार, तीन गाड़ियां ली थी, वो सारी गाड़ी रिवील करने लगे हैं। खुल जा सेम सेम। हाँ जी, कौन सी गाड़ी स्टार्ट करनी है जल्दी से बता दो मुझे। तो यार बाकी तो सारी गाड़ियां कर दी, वो भी होगी, ये भी होगी, रेंज ये रह गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, दोपहर के कोई 12 बज रहे हैं यार, और मौसम चेक करें यार, कितना सेक्सी हुआ है, क्या बात। और अपनी शेडो देखें। आज भाई आपका ये वाली गाड़ी रिवील करेगा, और ये भी बताऊंगा कि ये किस वजह से गाड़ी ली थी। हाय 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 हाय। तो वेल यार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब ठीक ठाक हैं? आज है 15th of July और आज आपके भाई की बर्थडे है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में भाई को विश कर दो। बाकी आज का सीन ऐसा है कि यार आज बर्थडे वाले दिन भी मुझे सुकून नहीं है। मैं आया था 10th of July को, ठीक है, US से। उसके बाद आके एक दो दिन मैंने रेस्ट वगैरह किया है, फिर ज़रा फैमिली से टाइम स्पेंड किया। अब मैंने जाना है कल लाहौर। लाहौर जाने से पहले जो हमारी शेडो है ना, शेडो का रेडिएटर का थोड़ा सा मसला आ रहा है, वो हमने हल करवाना है। तो यार चलते हैं, अपनी शेडो का रेडिएटर रोक के करवाते हैं, ठीक है। आज वो गाड़ी भी रिवील करूंगा, और ऐसी हम लोगों ने यार तीन गाड़ियां ली थी। क्यों ली थी मैं बताऊंगा, व्लॉग देखते रहें। बाकी अपनी सारी गाड़ियां स्टार्ट करते हैं, बाइक्स को स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि यार 4 महीने में यहाँ नहीं था, कुछ बाइक्स को स्टार्ट किया गया, कुछ को नहीं किया। डेली ड्रिवन जो है वो ये डाला है, तो बाकी गाड़ियां नहीं चलती, उनको भी स्टार्ट करते हैं, ओके करते हैं। आज आपके भाई की एनिवर्सरी भी है, बर्थडे भी है, और देखो भाई आपका गाड़ियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लेट्स गो गेट द शैडो डन, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। हाय हाय, चेक करें भाई का कार्बन फाइबर स्टीयरिंग, माशाल्लाह। बड़े अरसे के बाद भाई ने आपकी गाड़ी स्टार्ट की है, ठीक है। अंदर ये देख लो कार्बन फाइबर, ये वो है रैप किया हुआ, ये भी रैप है, लेकिन ये भी सारे पैनल्स उतरवा के आपके भाई ने भेजने हैं ताकि कार्बन फाइबर हो गया है। यार यहाँ में आया था, वो भाई मुझे कह रहे हैं गाड़ी छोड़ जाओ, मैं शाम तक कर दूंगा। तो ये है कि गाड़ी अपनी छोड़ जाते हैं, चलो शाम तक हो जाएगी, ठीक हो गया बॉयज। हाँ हाँ, ओके बाय। मैं घर आ गया था। तो यार शुरू करते हैं डाले से। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मेरा 1-2 महीने का जो सीन है ना प्रोजेक्ट्स को लेके, वो उसमें डाला भी करवाना है, क्रूज़र भी करवाना है, रेंज रोवर भी करवानी है, काफ़ी गाड़ियाँ। तो यार डाले से स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले तो हमने करनी है आउटर लुक चेंज। इसमें हमने डलवाना है क्या नाम है, GRK रिम्स, और इसको हमने लिफ्ट करवाना है, ठीक है। आपको इंटीरियर में मैं दिखा दूँ, इंटीरियर में मैंने क्या करवाना है। तो इंटीरियर में यार ये सारे जितने डोर कार्ड्स हैं, ये खुलवा के हमने डैशबोर्ड खुलवा के सारा ब्लैक करवा देना है, इसकी छत ब्लैक करवा देनी है, और इसमें स्टेयरिंग जो है GR का इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसके फ्रंट हम लुक के ऊपर आ जाएं, तो फ्रंट पे यार इसकी टोटली मैंने लुक चेंज कर देनी है। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, बिल्कुल डाला ऐसा बनाना है, और इसको वाइट कलर कर देंगे। यार ये अभी थोड़ी सी धूप कम होती है, देखे ना मेरे सर के ऊपर है बिल्कुल सूरज। तो फिर ये वाली जो गाड़ी है ना आप लोगों की, ये रिवील करता हूँ, और इसके साथ की दो और गाड़ियाँ वो भी रिवील करता हूँ। व्हाट्सअप आस्को, व्हाट्सअप, शुक्र है यार मौसम कुछ बेहतर हुआ है। अब आप लोगों को यार वो गाड़ी रिवील करते हैं। हाँ जी, कौन सी गाड़ी स्टार्ट करनी है जल्दी से बता दो मुझे। दादा वाली, इसे कितना पता है कि ये क्रूजर की चाबी और ये दादा की गाड़ी है। चेक करें जरा बच्चे आजकल के, बहुत सारी गाड़ी रिवील करने लगे हैं। उतार यार कपड़ा इसके ऊपर से। ओए हाय हाय हाय, चेक करें अंदर से पीपा निकल रहा है, लाल पीपा। तो यार ये रही बिग डैडी माइक 2 1972, ठीक है। और ये गाड़ी किसकी है, ये है अहमद की, ठीक है। उसने मेरे पास यहाँ खड़ी की हुई है, उसका ज़रा सीन बैड है। वो बैड सीन इसलिए उसके अब्बू को पसंद नहीं है पुरानी गाड़ियाँ, और वो कह रहा था तैयार होके फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा जब तैयार हो जाएगी गाड़ी। तो यार ये गाड़ी है, देख लें, बहुत इसकी हालत जो है ना ख़राब है, लेकिन मज़े की बात ये है जो हमें लुक चाहिए ना फ्रंट से। दरअसल मार्क टूज आती हैं दो लुक में, एक आती है स्ट्रेट और एक आती है कर्व स्टाइल में ना, तो ये वो कर्व वाली लुक है इसकी जो कि हमें चाहिए थी। बाकी आप लोग साइड से देख लें, अंदर से दिखा यार, अभी ये अंदर से दिखाएगा, ये चेक करें, वाह जी वाह, ठीक है। यार ये चीज़ों को आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम लोग गाड़ी तैयार करते हैं, इंटीरियर सारा नए तरीके से तैयार होता है, ये सारे क्रोम दोबारा तैयार होंगे, इसकी पूरी डेंटिंग होगी गाड़ी की,
पेंट होगी गाड़ी, पिछली बैक लाइट है हमारे पास जीटी की पड़ी हुई है, इसमें एक जीटी मॉडल भी आया था। इसका सबसे मजे की बात जो है ना वो है एग्जॉस्ट, भाई जैपनीज एग्जॉस्ट है तो इसका क्या ही बात है। बाकी आप लोग पीछे देख लें कि यार इंटीरियर इसका ओरिजिनल है, डोर कार्ड्स भी ओरिजिनल हैं। ओए होए होए क्या एंटीक गाड़ी है, इंजन वे भी दिखाऊं, ये चक्कर है ऐसे खुल जाता है। इसमें अभी जो डला हुआ है वो है 3SFE, लेकिन हमने ये निकाल देना है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये गाड़ी लेने का मकसद क्या था। स्टार्ट करके देखें, ओह बैटरी डेड है भाई, स्टार्ट नहीं हो रही, चलो कोई नहीं हो जाएगी। बाकी यार मार्क टू पर बैठ के आप लोगों को मार्क टू की स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी ये है कि हमने आज से कुछ 4 महीने पहले इमरान, मैंने और अहमद ने एक फैसला किया था कि हम लोग, भाई ये चक्कर है, उल्टे गियर लग रही है भाई इसको, ये क्या चक्कर है। तो बहरहाल हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम लोग 3 मार्क 2s लेंगे और तीनों को एक जैसा तैयार करेंगे और एक जैसा इंजन, एक जैसा इंटीरियर, हर चीज़ सेम होगी गाड़ी की। जैसे कि आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी पहली वाली, जिसमें 3 होंडा सिविक्स ब्लैक रंग की तैयार हुई हुई थी एक जैसी, तो हमने भी वैसी एक जैसी तैयार करनी है। मैंने एक ब्लैक कलर की ली है, उसकी पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। उसमें ऑलरेडी जो है V8 इंजन स्वैप हो रहा है। अहमद की गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी हुई है, इमरान ने भी एक गाड़ी ले ली हुई है, वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गई होगी। तो यार सीन्स बड़े हैवी होने वाले हैं, तीनों मार्क टूज में V8 इंजन होंगे, तीनों ब्लैक कलर की होंगी, तीनों पे सेम रिम्स होंगे, सेम इंटीरियर होगा रिकारो सीट्स वगैरह के साथ। तो ये हमारी बिल्ड्स बहुत सेक्सी होने वाली हैं। तो ये इंशाल्लाह महीने दो में हम लोगों ने ये बिल्ड्स कंप्लीट करनी और तैयार करनी है। मैंने वीगो भी तैयार करवाना है, क्रूजर भी तैयार करवाना है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अभी, स्टे विद अस। और यार सॉरी आप लोगों को दिखाना भूल गया, इसके अंदर हम लोगों ने ना यहाँ सुराख करवाए हुए हैं, डायरेक्ट हवा है एसी की, यू नो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, समझ रहे हो आप लोग, बंद कर इसके ऊपर कपड़ा दे दे भाई जी, खोल जा सेम सेम, क्या बात है, क्या ओपनिंग की है तूने। चलें यार इसको स्टार्ट करें, इसकी चाबी, ओहो ये रेंज की है, अब इसकी चाबी निकल आती है, कोई नहीं कोई पता भी नहीं है चार्ज है कि, लो जी इसकी बैटरी भी डेड है, वेरी नाइस, कीप इट अप। सारी गाड़ियां डेड की हुई है यार, रमजान स्टार्ट कर दिया कर, ये ले पकड़ चाबी, आए रेंज रोवर चेक करते हैं, रेंज रोवर शायद स्टार्ट हो। अब ये मुझे सारी जो गाड़ियां हैं ना स्टार्ट करनी पड़ेंगी, इन पर टाइम लगाना पड़ेगा। ए क्या बात है, ये तो भाई जाहिर सी बात है ये रेंज रोवर मजाक है। ओए 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 माशाल्लाह, देख रहे हैं आप लोग जूती उतार के रेंज रोवर में बैठना पड़ता है, इतनी साफ सुथरी गाड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा यार एक सीन है, इसका जो डैशबोर्ड आप लोग देख रहे हैं ना ये क्रैक्स पड़े हुए हैं, ये सारा उतरवाना है और ये जो है ना दोबारा से इसके ऊपर रैगजीन चढ़ेगी और इसके ऊपर रैगजीन होगी दोबारा से, ठीक है। तो ये यार ये लेके जाएंगे हम लोग और किसी दिन और ये सारे काम करवाएंगे इसके, बाकी इसमें और कोई काम नहीं। हाँ एक ये है एक सीन इसका, ये करवाना है, आई डोंट नो ये क्यों ऐसे किया हुआ है, बट कोई ना कोई सीन होगा इसका। ओ अच्छा अच्छा, ये इसलिए लगाया था कि ये इसका पीस उतर गया था, इसमें वो लगा के ना समद बॉन्ड, तो इसको जोड़ा था इन्होंने। ओए चेक करें गाड़ी नीचे हो रही है, ओए भाई 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 ने आपके एयर सस्पेंशन लगवाई है, अब उठा के दिखाऊं, क्या ही बात है भाई क्या बात। तो यार ये क्रूजर का जो मैंने सोचा है ना वो ये है कि इसकी आउटर लुक जो है ना वो हम नहीं छेड़ेंगे, सही है, क्योंकि इसकी आउटर लुक मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये छोटे मोटे से काम है ये करवा देंगे, आउटर लुक इसकी ऐसी रहने देंगे, बहरहाल अंदर जो इंटीरियर है वो बहुत हल्का है इस गाड़ी का। तो मैंने सोचा है कि इसको 2021 मॉडल का इंटीरियर, डैशबोर्ड, कंसोल, सीटें, हर चीज़ जो है ना 21 मॉडल की लगवा दी जाए। तो क्या कहते हैं यार बॉयज, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैंने रिम्स इसमें डलवाए थे नए मॉडल के, आप लोगों को पता ही है। बाकी यार इधर मेरा एक ये बाइक खड़ा है 150, एक यहाँ खड़ा है R3 और ये आप लोगों को पता ही है DR650 ट्रेल बाइक है मेरी, और वहाँ भूसा खड़ा है, भूसा स्टार्ट करते हैं।
जी मर्सिडीज को तो हम लोग भूल गए थे, ये भी कितने अच्छे से खड़ी हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह कपड़ा उतारा, क्या चमकती हुई अंदर से निकली है। चलो स्टार्ट करके देखते हैं, आपके भाई का ये नाम लिखा हुआ है, देखते हैं स्टार्ट होती है। वाह क्या बात, हाँ 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 ठीक हो गया यार माशाल्लाह, ये भी स्टार्ट होगी हमारी। तो यार बाकी तो सारी गाड़ियां कर दी, वो भी हो गई, ये भी हो गई, रेंज ये रह गई है, ये कल करेंगे, शेडो हमारी रह गई है भाई। बैटरी नहीं है इसकी भी, बैटरी और पेट्रोल भी नहीं है भाई। घूम घुमा के आपका भाई दोबारा से जो है ना वो आपकी मार्क टू में आ गया, क्योंकि इसमें वीडियो बड़ी अच्छी बन रही थी, मैंने कहा एक दो बातें आप लोगों से कर लूं। तो बातें ये हैं कि भाई 3 महीने मेरे पास हैं, 3 महीने में हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने कंप्लीट करने हैं। जी वैगन हफ्ते 2 में आ जाएगी, RX-8 हमारी कंप्लीट हो गई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ जाएगी। बाकी ये है कि मार्क टू जो है, तीनों मार्क टूज हमने तैयार करवानी है 3 महीने में, मेरी तो मुझे लग रहा है कि 1.5 महीने में हो जाएगी। बाकी कलेक्शन में मेरी क्रूज़र, वो रेंज रोवर और मर्सिडीज़, डाला रीबॉर्न, एक मार्क टू, एक जी वैगन, और उसके अलावा कौन सी गाड़ी है, RX-8 ठीक है, MG और कौन सी गाड़ी मैं बोल रहा हूँ, एक गाड़ी रह गई यार मेरी कोई KE35 भी आपके भाई के पास है, वो बहरहाल मैंने और इमरान ने मिलके ली थी। तो यार ये सीन है, ठीक है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग साथ रहें, चैनल में बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी एक सिलिका 2JZ GTE के साथ सिलिका हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ट्यून हम लोगों ने अभी रिसेंटली करवाई है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं भाई, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। तो साथ रहें, अभी चलते हैं हम लोग जाके रिबॉन पिक करते हैं और वो घर लेके आते हैं। भाई आपका वर्कशॉप आ गया था, उन्होंने कहा इसकी मोटर यहाँ से नहीं मिल रही तो कोई जुगाड़ लगवा दिया, मैं जुगाड़ लगवाने आया हूँ। तो अब इसकी मोटर जो है ना हम लोगों ने चेंज करवा दी है, टांका लगवा दिया, ठीक है, ठीक है, 2006 मॉडल सिटी की उसने डाल के दी है, सही चल रही थी। वेल बॉयज यार जो हीटअप वाला इशू था वो हमने कर दिया रिजोल्व, एसी के साथ भी मैंने चेक कर लिया है, हमारी सुई नहीं हिल रही, ठीक है। बाकी यार सीन ये है कि इसकी अलाइनमेंट आउट है, वो इंशाल्लाह लो जाके करवा लेंगे। तो यार अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तो भाई आपका आ गया पाकिस्तान, बड़े मजे मजे के कंटेंट आने वाले हैं आपको इंशाल्लाह, ट्रैक सीन्स भी जाके चेक करवाऊंगा जो कि DHA Phase 7 में होता है एट राया सैटरडे नाइट और संडे को, इंशाल्लाह सारे सीन्स चेक करवाऊंगा। तो यार साथ रहें, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, पीस आउट।